प्रेसिडेंट पुतिन हमले का ऑर्डर देंगे, रूसी फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागेगी, दुनिया सदी के सबसे बड़े युद्ध को देखेगी और अमेरिका समेत नाटो के ताकतवर देश सिर्फ सांत्वना ही देंगे। 3 हफ्ते पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की भविष्यवाणी कर दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की ख्वाहिशें पूरी दुनिया पर तबाही लाएंगी, जिसका नतीजा ये धरती ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड भुगतेगा। सवाल यह है कि पुतिन क्या करने वाले हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। रूस ने मिसाइलें तक की, वे बड़ी तबाही हुई। यूक्रेन में आज की सुबह भी दूसरे दिन से जुदा नहीं थी और आज की रात भी अलग नहीं होने वाली है। दिन का आगाज भी नहीं हुआ था कि कीव पर कयामत टूट पड़े। रूसी मिसाइलों ने एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाया। आंख खुलती इससे पहले ही कई आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। कीव पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। हमले में 16 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कीव के साथ ही खारकीव में भी आज रूसी मिसाइलों का कहर टूटा। खारकीव में हुए हमले में भी कई लोगों की मौत का दावा किया गया है। 21 दिन के युद्ध के दौरान यह 16वीं बार था जब रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर भीषण बमबारी की। इमरजेंसी सर्विसेज एजेंसी के मुताबिक खारकीव में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये तस्वीरें निकोलाव की हैं, जहां यूक्रेन की फौज का ठिकाना रूस का टारगेट बना। रूस ने 3 मिसाइलों से हमला किया जिसके बाद बड़े इलाके में आग लग गई। यूक्रेन के एक और उत्तरी शहर खारकोव में भी कई धमाके हुए। धमाकों के बाद एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। हमला इतना जोरदार था कि कई इमारतों के परखच्चे उड़ गए। मुझे यूक्रेन में आए 1 महीने से ऊपर हो गया है। रूस के हमले के पहले ही दिन से मैंने यूक्रेन को हर कोने से कवर किया है, यूक्रेनियों का हौसला भी देखा है, लेकिन अब रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते तक रूसी फौज का फोकस पूर्वी इलाके पर था, लेकिन अब पूरा यूक्रेन रूसी मिसाइलों की चपेट में है। मैं इस वक्त यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर हूँ। 2 हफ्ते पहले तक इस इलाके को सुरक्षित माना जा रहा था, मगर अब यहाँ भी हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई हैं और इस जगह को छोड़ने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। 21 दिन के दौरान 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिन्होंने यूरोपीय देशों में शरण ली है। लेकिन मुल्क छोड़ने का दर्द क्या होता है, ये एक यूक्रेनी से ही जानते हैं। Very beautiful. Want to live the whole life there, but everything changed, you know. 21 दिन में लाखों यूक्रेनियों की जिंदगी बदल गई। कुछ काल के गाल में समा गए तो लाखों खानाबदोश हो गए। लेकिन ये दर्द यही नहीं थमने वाला है, क्योंकि इस बीच रूस ने यूक्रेन के लिए हथियारों और जवानों की नई खेप रवाना कर दी है। यूक्रेन की मीडिया ने 7 रूसी सैनिकों की चिट्ठियां जारी की हैं। इन चिट्ठियों से साफ होता है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। जो वापस आए हैं वो दोबारा यूक्रेन की सरहद में आना नहीं चाहते हैं। अपने कमांडरों को लिखी इस चिट्ठियों में रूस के सैनिकों ने लिखा है कि वे किसी भी सूरत में दोबारा यूक्रेन जाने को तैयार नहीं हैं। कीव पर कब्जे की लड़ाई रूस के लिए नाक का सवाल बन गई। पुतिन ने फौज तो रवाना की है, यूक्रेन की तबाही के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को फिर कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ी धमकी तक दे दी।
जिस वक्त पुतिन यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वालों को कोस रहे थे, उसी वक्त जेलेंस्की अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे थे। जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर पर्ल हार्बर और 9/11 जैसा हमला हुआ है, यूक्रेन को 24 घंटे में नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अमेरिका और नाटो यूक्रेन को नई फाइटर जेट दे। रूस से मुकाबले के लिए S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले। रूस पर हर दिन और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो के तमाशबीन बने रहने पर भी सवाल उठाए, साथ ही एक बात और कही, खुद सुनिए। Now I am almost 45 years old. मैं 45 साल का हो चुका हूं, लेकिन आज मेरी उम्र थम गई। 100 children stopped beating. जब यूक्रेन से 100 से ज्यादा बच्चों की सांसें रुक गईं, मैं उस जिंदगी को खाक समझता हूं जो मासूमों की मौत को भी ना रोक सके। जेलेंस्की के तानों और पुतिन के जिद से नाटो देशों का सब्र जवाब देने लगा है। इसीलिए रूस को जवाब देने के लिए नाटो के हथियारों की एक और खेप जर्मनी से पोलैंड रवाना कर दी गई है। इसीलिए जब तक युद्ध नहीं रुकता, तब तक महायुद्ध का खतरा बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।